They are very cruel, but God is very kind. जब मार्शल लॉ लगा है उस टाइम पे जो है ना फोर्सेस ने हर जगह पे तो कब्जा कर लिया था, ख्वातीन को छोड़ दिया था। ज़्यादा कारकुन जेंट्स थे नहीं, जो हमजा शहबाज हैं वो इतने जो है ना मिचोर भी नहीं थे, और वो ना क़यादत थी। मेन क़यादत जो है ना इनके पास थी कुलसूम नवाज के पास। उन्होंने कोशिश शुरू कर दी थी कि किसी तरीके से मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचा जाए, अपनी जद्दोजहद को तेज़ किया जाए, नवाज शरीफ को छुड़वाने की कोशिश की जाए, लेकिन क्योंकि मुशर्रफ दौर था उन्हें इजाज़त नहीं थी। लेकिन कुलसूम नवाज निकली हैं अपने कुछ कारकुनों के साथ, कुछ गाड़ियां भी थीं, कोशिश करके भागी हैं कि हम निकलें इस्लामाबाद की तरफ। जितने भी कारकुन, भले मुझे अकेले जाना पड़े, उसी टाइम पे फोर्स जो पुलिस थे वो कोशिश कर रहे थे, वो निकले ही ना कर आके उन्होंने गाड़ी को वहाँ से निकाल लिया, अपने मॉल टाउन से वहाँ से निकाल के वो कनार रोड पे चढ़ते साथ ही जीओआर का एरिया आता है जहाँ वज़ीर आला हाउस और दूसरी मुख्तलिफ जो है वजारतें और गवर्नर हाउस भी करीब है, वहाँ पे उनको वहाँ पे रोक लिया। फोर्सेस जो है ना इनको पीछा करते वहाँ पे रोक के तो उनको जाने नहीं दिया, उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया जीओआर के करीब। वहाँ पर घेर के उनको कोशिश करते रहे कि वो बाहर निकले, उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया। गर्मी भी थी और कितनी देर फ्यूल चलता, तो उन्होंने क्रेन से वो गाड़ी को उठाया और लिफ्ट से लेते हुए जो है ना थाना रेस कोर्स में चले गए। कुलसूम नवाज जब निकली हैं तो हमें आइडिया नहीं था कि वो निकल के आएंगी और जो है ना इतनी जद्दोजहद करेंगी और सारा मामला करेंगी, उनकी हिम्मत की दाद है। हम तो खुद ये नहीं सोच रहे थे कि वो इतनी जो है ना वो जद्दोजहद कर पाएंगी, वो अभी अरेस्ट हो जाएंगी या इस तरह का। लेकिन उन्होंने 7 घंटे उनसे मुज़ाकरात भी किए हैं, फिर भी अरेस्ट नहीं हुई, उनको मजबूरन वहाँ पर क्रेन के ज़रिए उठा के ले जाना पड़ा।